ये भाई बैठो, कोई भी नहीं उठना, कोई भी नहीं उठना, आगे कोई मत आओ, वो जो बात करे करेंगे बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग अशरफिया जामा मस्जिद में इस वक्त जमा हैं। हमारे साथ मस्जिद के ट्रस्टी शाहुल हमीद कादरी और उनके तमाम लोग हैं। इससे पहले जुम्मा को अशरफिया मस्जिद में बरेलियों की एक पूरी जमात मस्जिद में घुस गई और बहुत सारे लोग उनके आए, जिनका आने की मंशा ही बता रही थी कि झगड़ा करने की नीयत से वो लोग आए, और वो इसलिए आए थे कि मस्जिद के जो इस वक्त पेश इमाम है आकिब हुसैन वारसी, उनसे उनको किसी बात पे तौबा करवाना था। और उनका तौबा करवाने का जो तरीका था वो ऐसा था जैसे कि वो झगड़ा करने आए, क्योंकि औरतें बच्चे जवान लड़के सब लेकर आए थे। अब ये जमाते रजाए मुस्तफ़ा के लोग थे या रजा एकेडमी के थे या सुन्नी दावत इस्लामी के थे या कौन थे, ये तो इंशाल्लाह पुलिस बताएगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करने का पुलिस का सहारा लिया है और इंशाल्लाह मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस पे हमको पूरा भरोसा भी है। और एक बात ये याद रखना कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो तमाम लोग जिन्होंने मस्जिद में घुस के दादागिरी की और इस तरीके से माफ़ी मंगवाई, जो तरीका ही गलत था, बिल्कुल गलत था, है ना। अगर कोई आदमी शिया की मजलिस पढ़ा और उसके बाद उसने तौबा तिल्ला कर लिया, जो कि वह अहले सुन्नत वल जमात से था, वो सुन्नी मदरसे से पढ़ा हुआ है भिवंडी से, माफ़ी अगर उसने मांग लिया तो उसके बाद उससे बदतमीजी करना या मस्जिद के लोगों से माइक छीनना, उनसे झगड़ा करना, तादाद दिखाना, ये एक मतलब कानूनी हिसाब से भी दादागिरी थी और शरीयतन भी ये चीज़ जायज़ नहीं थी जो ये लोगों ने किया। असल में या तो इनका मंशा था मस्जिद पे कब्जा करना या मस्जिद के लोगों को मारना, मगर इनको जिस शख्स ने भड़काया, इन तमाम बरेलियों को, उसने अपनी वॉइस मैसेज डाल दिया। इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैंने आगे उसकी वॉइस मैसेज पूरी डाला है जो 7 मिनट के लगभग आसपास है। उसने इनको कहा है कि अपनी औलादों की कुर्बानी दो, मारो या मर जाओ, है ना, अगर ये नहीं मानते हैं तो हर तरीके से इनसे मनवाओ, यानी मार पीट करो, सब चीज़ करो, मगर उस शख्स का अगर नाम पता चल जाए कि वो कौन है और कहाँ से है, हम लोग बड़ी इसकी तहकीक में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह उसका बुढ़ापा पुलिस ख़राब कर देगी, वो पुलिस स्टेशन के और जेल के चक्कर काटते काटते इंशाल्लाह थक जाएगा। ये जो भी नाज़िब खारजी बरेलवी जिसने ये धमकी दिया खुलेआम, ये अगर अपनी माँ का असल औलाद है और ये वाकई में मौलाना अहमद रज़ा का मानने वाला है, तो ये सामने आए और अपना नाम जाहिर करे और ये वॉइस मैसेज जो उसने भेजा है वो बताए कि वो कौन है। फिर उसको मालूम पड़ेगा कि मुंबई में कितने हुसैनी मौलाई पंजतनी हैं और किस लेवल पे हैं और कहाँ कहाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूफी संतों का मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हुसैनी सब सूफी संत हैं, क्योंकि दरगाहों के मानने वाले गरीब नवाज के मानने वाले, और जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम हुसैनी सुन्नी हैं, गरीब नवाज सरकार के मसलक और मजहब पर हैं, हमारा मरकज अजमेर शरीफ है, तो हमको दादागिरी करके मसलक आला हजरत थोपने की हम पे कोशिश, जो कि हम जानते नहीं मौलाना अहमद रज़ा कौन है, हमको लेना देना ही नहीं कुछ, हमको जो दिन मिला औलिया अल्लाह से मिला, हमारे घर वालों को मिला, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हम नियाज फातिहा करते, सब कुछ करते हैं, औलिया अल्लाह को मानते हैं, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलते हैं, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हैं, तमाम मोमिन साहबा की इज्जत व अजमत करते हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी, हमको किसी मुल्ला का दिन नहीं चाहिए। जबरन हमारी मस्जिद को बरेली मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसका बाकायदा ऊंचे लेवल पे हम कार्रवाई करेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और जितने लोग आए थे उन सब के फोटोग्राफी चेहरे पुलिस के पास हमने भेज दिए, अल्लाह ने चाहा उन सब पे कार्रवाई होगी, क्योंकि माफ़ी मंगवाने का ये तरीका नहीं था जिस तरीके से लोगों ने किया है। मस्जिद की कमेटी को लेटर देते, उससे बैठ के बात करते और इस मसले को समझते कि पेश इमाम ने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी, और मैंने इस वीडियो में पेश इमाम की माफ़ी भी डाला कि उसने खुल्ला कहा कि हम शेखैन के मानने वाले हैं, सरकारी अबू तालिब के ईमान के कायल है, अल्हम्दुलिल्लाह चारों आइम्मा के मानने वाले हैं और हम सुन्नी हैं हुसैनी हैं, उसके बावजूद ये लोगों ने उससे जबरदस्ती की, उसको धमकाया, उसको डराया, मसलक आला हजरत को मानने का वो किया। अब ये बेवकूफ ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान है, हर आदमी आजाद है, तुम्हारे में अगर दम है ना तो महाराष्ट्र के कोने कोने में जमाती सुन्नी मस्जिद कब्जा कर रहे हैं, अहले हदीस कब्जा कर रहे हैं, जो रसूल अल्लाह को नहीं मानते हैं। अरे एक माविया अबू सुफियान के चक्कर में तुम मौलाइयों से हुसैनियों से झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारी ताकत है तो जाओ उनसे मस्जिद छीनो जो रसूल अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। माविया रसूल अल्लाह के गुलामों के कदमों की धूल भी नहीं है, तुम जाओ उनसे मस्जिद छीनो,
जो तुम्हारी मस्जिदों को कब्जा कर रहे हैं जमाती अहले हदीस पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं समझूं कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो। हुसैनियों से क्या झगड़ा करते हो? इंशाल्लाह जल्द तुम अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो हमने देखा, अशरफिया मस्जिद लेबल का मार्किंग का, इसमें बताया कि अशरफिया मस्जिद सुन्नी मस्जिद है, लेकिन ये जो बयान जो कर रहा था ये नीम राजी या राजी है या राजियों के चक्कर में पड़ गया है, या राजियों का साथ में या राजियों का जो एजेंट है नीम राजी जो है उनके चक्कर में, या खुद ही एजेंट है नीम राजी है, यह राजी है। इसका ट्रस्टी भी राजी या नीम राजी मालूम होता है, जबकि इन लोगों ने ऐलान किया है कि यह अशरफिया सुन्नी मस्जिद है, और सुन्नी जो कहलाते हैं इस दौर में अहले सुन्नत जमात की पहचान मसले से आला हजरत से होती है। हर फिरिए वाला अपने आप को सुन्नी कहता है, जैसा कि देवबंदी हुआ, वहाबी हुआ, अहले हदीस हुआ, या जो कुछ भी हुआ, अपने आप को देवबंदी बोलते लेकिन अहले सुन्नत जमात बोलते, वहाबी बोलते अहले सुन्नत जमात बोलते, अहले हदीस बोलते लेकिन अहले सुन्नत जमात हैं हम, हर कोई अपने आप को अहले सुन्नत जमात बोलता है। इस दौर में सुन्नी अहले सुन्नत जमात जो है वो मसलक के आला हजरत की पहचान है। हर दौर में मुजद्दिदों की पहचान के हिसाब से उनका मसलक अपने अहले सुन्नत जमात जो है उनसे जानी गई, और इस दौर के जो मुजद्दिद है हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लिहाजा इस दौर में अहले सुन्नत जमात की पहचान मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, वो पहचान है अहले सुन्नत जमात का, एक ट्रेड मार्क है कि हर कोई अपने आप को सुन्नी कहता है। देवबंदी भी बोलता मैं सुन्नी, वहाबी बोलता मैं सुन्नी, अहले हदीस मतलब सुन्नी, मौलाई फिरका जो अपने आप को हुसैनी मौलाई कहता वो कहता मैं भी सुन्नी,
नीम राजी जो बनकर आए हैं, जैसा कि ये जो साहब जो है ये भी कहते हैं मैं सुन्नी, तो पहचान के तौर पर हमारे अहले सुन्नी जमात के जो हमारे असलाफ बुजुर्गान दिनों ने ये पहचान दी कि इस दौर में हर कोई अपने आप को सुन्नी कहता, तो असली सुन्नी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन और तमाम औली अल्लाह चार इमाम इमाम शाफई इमाम हनफी इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक इमाम हम्बल और आज तक मातुरिदिया से लेके हुजूर मुजद्दिदिया से सानी से लेके आज के दौर तक जो हमारे अकायद अहल सुन्नत आए सरकार दो आलम से लेके आज तक, वो तमाम सेम अकायद सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया और इस दौर के मुजद्दिद आज़म है, उन्हीं के नाम से मसले के आला हज़रत जो है सुन्नियत की पहचान का नाम बताया गया कि भाई सच्चा सुन्नी वो है जो मसले के आला हज़रत पर अमल करता है, यानी अहल सुन्नी जमात की सच्ची पहचान आज के दौर में मसले के आला हज़रत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इसने बयान किया है ये अपने के भाई हज़रत मेरे माविया माजल्ला उनके पर तान किया है और हज़रत अपने अबू तालिब जो है उनके बारे में कहा, अहले सुन्नत जमात का हनफी शाफी मालिक हम्बली मुत्तफ़िका फैसला है इमाम हज़रत माविया अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू तालिब के मामले में और अहले बैत और तमाम सहाबा के बारे में, वही अकायद मसलक के आला हज़रत का है और वही सही मानों में अहले सुन्नत जमात का मसलक और पहचान है और वही अकीदा अहले सुन्नत जमात का है। जो हज़रत मेरे माविया को ना माने, गालियाँ दे, उनको जहन्नम कुत्ता कहे, माज़ अल्लाह वो खुद जहन्नम का कुत्ता है। तो ऐसे ये मस्जिद जो है ये मस्जिद अशरफिया सुन्नी मस्जिद कह रहे हैं, देखो आवाज़ तो आ रही है इनकी सुन्नी मस्जिद, अगर ये सुन्नी मस्जिद है तो ऐसे चर्ची और ऐसे इमाम को और ऐसे जाहिर खुतबा जो खिताब करते हैं बयान करते हैं या ऐसे अराकिन जो कमीशी वाले हैं जो नीम राजी है या उनके चक्कर में पड़ गए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और कोई सही और सुन्नी सही रकीला जो मसले के आला हजरत वाला हो, यानि अहले सुन्नत का सच्चा मानने वाला हो, सच्चा सुन्नी हो, नीम राजी ना हो, वहाँ भी देवबंदी और अहले हदीस ना हो, मसलक के आला हज़रत की रोशनी में जो मानता हो अहले सुन्नत जमात वाला हो, उसको ही इमाम बनाया जाए, उसको ही सच्ची रखा जाए और उसी की एक कमीशी बनाई जाए और उसी कमीशी में ऐसे ही वर्कर्स को रखा जाए जो सही मानों में सुन्नी हो, यानी मसलक के आला हज़रत वाले हो, बाकी सबको निकालो और मार के निकालो नहीं निकल दे दो। वहाँ के एतराफ़ के सुन्नी जो सुन्नी मुसलमान हैं उनका यह फरीजा है, अगर अपना ईमान संभालना चाहते हैं, अपने आल औलाद का, अपने बच्चों का, अपनी नस्लों का ईमान बचाना चाहते हैं, तो यह राफ़िज़ी नीम राफ़िज़ी वहाबी देवबंदी अहले हदीस खबीस लोगों मार मार के निकालो, अगर नहीं निकल दे दो एफ आई आर करो, कुछ भी करो, लीगल भी करो, अगर लीगल से काम नहीं होता है तो अल्लाह उसके रसूल ने शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको हुक्म दिया है उस पर अमल करो, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना होगा कि हम नबी का जाहु जलाल देंगे, क्या है सिर्फ कहने के लिए है, माल और जान जब जान लगाने की ज़रूरत आती है, बच्चों को कुर्बान करने की ज़रूरत आती है, माल कुर्बान करने की ज़रूरत आती है, सब भाई जाते भाई बोलने के लिए क्या नारा कि माल मांगो तो माल देंगे, जान मांगो तो जान देंगे। करबला का मैदान याद है कि नहीं, इमाम हुसैन ने क्या किया, अपना पूरा कुंबा लुटा दिया, अपनी जान को पेश कर दी इस्लाम के लिए। फिर तो हमारे वालों को चाहिए कि वो सुन्नियत को बचाने के लिए, मसले के आला हजरत को बचाने के लिए, यानी सुन्नियत को बचाने के लिए, अपने इस्लाम को बचाने के लिए, ये राफ़िज़ी नीम राफ़िज़ी वहाबी देवबंदी अहले हदीस जितने भी गुस्सा के रसूल और गुस्सा के सहाबा हैं उन तमाम लोगों को यहाँ से निकालें, एफ आई आर करें, कानूनी कार्रवाई करें और सैयद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हक दिया है, हमारे कानून ने हमें हक दिया है यहाँ पर रहने का भी इंडियन कानून ने और हमारे इस्लाम का जो कानून है उसके मुताबिक अपने हिसाब से ज़रूर और ज़रूर इस पर कार्रवाई की जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक ऐसी फरमाए, हमारी नस्लों को भी मसलक के आला हज़रत मज़हब सुन्नत पर गामज़न रखे, इसी पर मौत नसीब करे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हश्र में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में, रिबाल हम के झंडे में हमें जगह नसीब करे। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।